सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अजय, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो गाइस, सबसे पहले दोस्तों आपसे ढेर सारी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी समय से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं आ रहा हूँ। काफ़ी समय से दोस्तों मैं कंटेंट को कलेक्ट कर रहा था आप ही के लिए, और कितने समय के बाद दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो गाइज, आज आपके लिए मैं अपडेट लेके आया हूँ। जो भी बच्चे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB और SSC की जो नॉन गेस्टेड पोस्ट होती हैं, जैसे ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी, ग्रुप बी में भी कुछ नॉन गेस्टेड पोस्ट होती है, ठीक है। तो रेलवेज एंड SSC के लिए स्पेशल दोस्तों मैं कंटेंट आपके लिए इकट्ठा लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको पता, रेलवे अपना ही एक भर्ती बोर्ड निकालता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, और SSC का तो आपको अपना पता बोर्ड होता ही, SSC का, ठीक है। तो गाइज, अभी जो हमारी यूनियन बजट दोस्तों जो जो पार्लियामेंट में पेश किया गया था, उसमें दोस्तों बजट में दोस्तों ये चीज अनाउंस की गई है कि फॉर रेलवे एग्जामिनेशंस एंड फॉर SSC एग्जामिनेशन फॉर गजेटेड, फिर नॉन, फॉर नॉन गजेटेड पोस्ट यानी कि जो ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जो कि SSC और रेलवे कंडक्ट करवाता है, वो अब रेलवे और SSC कंडक्ट नहीं करवाएगा, वो अब कंडक्ट करवाएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी कि दोस्तों नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये ऐसी एजेंसी है जो रेलवे के और SSC के ग्रुप बी सी डी पोस्ट के लिए भर्ती कंडक्ट करवाएगी, एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जो कि दोस्तों आपके बजट 2020 में प्रपोज कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एक एग्जामिनेशन होगा, एक ही एग्जामिनेशन के बेस पे दोस्तों आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट के लिए आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। जैसे कि अगर आपने 10th लेवल का दोस्तों आपने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, आपने बाय द वे 10th लेवल में ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया, ग्रुप डी का फॉर्म यानी कि SSC का, MTS का फॉर्म, और ग्रुप डी और रेलवे का ग्रुप डी का, यानी कि दोनों का लेवल बराबर है, रेलवे ग्रुप डी एंड SSC MTS दोनों का लेवल बराबर है, तो इसकी एजुकेशन रहती है 10th, ठीक है। तो आपने जैसे कि इनका फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, आपको लगता है कि यार मुझे SSC MTS में जाना है या फिर मुझे रेलवे ग्रुप डी में जाना है, तो आप सिर्फ एक एग्जाम दोगे, उसका नाम रहेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA एग्जाम कंडक्ट करवाएगा विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन सेंटर में ऑल ओवर द इंडिया में, ठीक। तो उसी एग्जामिनेशन के एक मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगा, उसी एग्जामिनेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको SSC में MTS की वैकेंसी, MTS की जॉब मिल सकती है या फिर रेलवे में मिल सकती है, डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कहाँ पे खाली है, कहाँ पे पोजीशंस वैकेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये था जो भी रेलवे ग्रुप बी सी डी और SSC का जो ग्रुप बी सी डी जिसमें आपका आता है CHSL। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इन NRA कौन कौन से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, तो आपको मैं विस्तार से समझा देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, आप देख, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ यार, ओके। सो गाइस, SSC की मैं बात करूं जो कि नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने जा रही है, जो कि NRA करवाएगा, वो आपका CGL, CHSL, CPO सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, SSC जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, JD कॉन्स्टेबल और SSC MTS, ये सभी एग्जाम्स NRA कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, जो कि SSC के अंडर आते हैं। अब रेलवे की बात करूं तो रेलवे में जो NTPC होती है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, ठीक है दोस्तों। तो ये जितने भी एग्जामिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के सभी दोस्तों आपका NRA कंडक्ट करवाएगी, जो कि है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका दोस्तों मैंने आपको भी बता दिया हुआ है ये नाम, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने जा रही है, ये भर्ती बोर्ड है एक टाइप का दोस्तों। तो हर एक SSC का और रेलवे का भर्ती बोर्ड अभी हट जाएगा और NRA को दोस्तों इसका टेंडर दिया जा रहा है। जैसे कि आपको पता, रेलवे में NTPC और ग्रुप डी का एडमिट कार्ड क्या है, उसके बारे में कुछ अभी हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उसके इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों आपको रेगुलरली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, ठीक है। और जैसे मेरे पास कोई अपडेट आता है SSC या फिर रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, कुछ भी इनके बारे में आता है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जरूर, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ घंटी आइकन को प्रेस कर लेना है। दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का कॉन्टेक्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। जय हिंद एंड जय भारत गाइस।